Children, in today's class we shall start with exercise 1.1. okay, the topic is knowing our numbers and this is our chapter 1. So first question is fill in the blanks. Theek hai, fill in the blanks. We have to write down the correct answer here. Hame diya hai a part 1 lakh is equal to dash 10,000. to isko hum pehle work out karke dekhte hain kaise aayega ye. 1 lakh likho. Ones, tens, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, 1 लाख. ठीक है, अब लिखो आप 10,000. वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000. जितने कॉमन जीरोज हैं उतने काट दो. यहाँ पे देखो कितने जीरोज हैं, 1, 2, 3, 4. ये 4 कट कर दो, तो यहाँ से भी 4 कट कर दो. 1, 2, 3, 4 कट कर दिया, तो क्या बच गया हमारा, ये बचा 10. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10,000. 1 लाख इज इक्वल टू 10,000. समझ आया. नेक्स्ट पार्ट जाते हैं. देखो नेक्स्ट है 1 मिलियन इज इक्वल टू डैश 100,000. राइट, तो अब इसको भी वैसे ही करके देखते हैं. लिखते हैं पहले 1 मिलियन. वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000 एंड 1 मिलियन. ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, 100,000. 100,000 लिख लो. वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000. ठीक है, अब देखो इसमें कॉमन क्या है, कितने कॉमन जीरोज हैं. 1, 2, 3, 4, 5. 5 कट किए, तो यहाँ से भी काटो 5. 1, 2, 3, 4, 5. तो क्या बचा यहाँ पे, ये बचा 10. राइट, तो तुम्हारा आंसर यहाँ पे आ गया 10. क्लियर है, आगे चलो. 1 करोड़ इज इक्वल टू हाउ मेनी 10 लैक्स. तो अब यहाँ पे आप लिखो 1 करोड़ लिख लो. वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लैक, 10 लैक, करोड़. ठीक है, फिर तुम लिखो 10 लैख. वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लैक, 10 लैक. राइट, अब जितने कॉमन जीरो से काट दो. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 कट गए. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 कट गए. अगेन यू गेट द आंसर 10. क्लियर है, आगे चलते हैं. 1 करोड़ इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलियंस. लिखो 1 करोड़. वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लैक, 10 लैक, करोड़. ठीक है, अब लिखो मिलियन. वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, 100,000 एंड 1 मिलियन. अब कॉमन जीरोस काटो, कितने कॉमन जीरोस हैं इसमें. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. बच गया क्या यहाँ पे, 10. तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10. ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट. 1 मिलियन इज इक्वल टू डैश लैक्स. देखो कितने मिलियन. 1 मिलियन लिखो. वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, 100,000, 1 मिलियन. अब ये लैक है, लिखो लैक. वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, 1 लैक. अब देखो कॉमन जीरोस काटो कितने हैं. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. बच गया क्या यहाँ पे, 10. तो तुम्हारा आंसर आ गया 10. ये तो लकीली तुम्हारे को यहाँ पे हर एक में 10 आ रहा है, अदरवाइज बाकी क्वेश्चंस में आप इस तरीके से लिख करके कर सकते हो. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स. ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है नंबर नेम 73,75,307. वैसे तो जो इसको डायरेक्टली कर सकता है वो डायरेक्टली कर ले, नहीं तो मैं एक मेथड और भी बता दूंगी. 73 लाख, मतलब लाख में कितना है, 73. तो मैंने लिख लिया 73 और लगा दिया कॉमा. फिर नेक्स्ट है 75,000, तो मैंने लिख दिया 75,000, फिर लगा दिया कॉमा. फिर है 307, तो फिर लिख दिया 307. इज दिस क्लियर. अदरवाइज आप क्या करो, आप प्लेस वैल्यू टेबल बना करके तब कर सकते हो. प्लेस वैल्यू टेबल बना के उसमें लिख दो और फिर उसको यहाँ पर कॉपी कर दो. ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो. 9 करोड़ 5 लाख 41.
ठीक है, तो आप क्या करो, 9 करोड़ आपने लिखा, 9 करोड़ कॉमा 5 लाख, लेकिन लाख में क्या होता है, 10 लाख भी होता है, तो 10 लाख वाली जगह के लिए 0 और ये आ गया 5, ठीक है। अब उसके बाद 41 लिखा है, लेकिन लाख के पहले क्या आते हैं, 1000 आता है, 1000 में भी 2 होते हैं, 1000 और 10,000, तो इसके बाद कॉमा के बाद हमने लिखा 2 जीरोस, ठीक है। अब ये लिख रहा है 41, ये 41 किस में आता है, वंस वाले पीरियड में आता है, वंस वाले पीरियड में कितने होते हैं, 3 होते हैं, वंस, टेंस और हंड्रेड्स। ये 41 मतलब क्या हो रहा है, टेंस और वंस प्लेस है, तो ये हंड्रेड्स वाला प्लेस मिसिंग है, तो हम यहाँ लिखेंगे 0, 4, 1। और अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो वो कैसे कर सकता है, वो यहाँ पे बना लो अपना प्लेस वैल्यू टेबल, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। अब यहाँ क्या बोल रहा है, 9 करोड़, करोड़ में लिख दिया तुमने 9। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 5 लाख, तो लाख में लिख दिया 5। उसके बाद बोल रहे हैं 41, तो यहाँ पे लिख दिया 41। बाकी जो खाली जगह बच गई उनको जीरो से फिल कर दो, यहाँ 0, 0, 0, 0, तो देखो 905, 3 जीरोस, 4 वन, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप इसी तरह से कर सकते हो, मतलब बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं आप इसके तरीके से कर सकते हो। अब करते हैं हम सी पार्ट। सी पार्ट में क्या है, 7 करोड़, हमने लिखा 7 करोड़, लगा दिया कॉमा, 52 लैक्स, लिखा 52 लैक्स, लगा दिया कॉमा, फिर लिखा है 21,000, लिखा हमने 21, फिर लगा दिया कॉमा, फिर क्या लिखा है, 302, तो 302 लिख दिया, ऑल राइट। अब डी पार्ट, ये इंटरनेशनल सिस्टम का है, इसमें क्या लिखा है, पहले 58 मिलियन, तो हमने लिखा 58 मिलियन, राइट। अब इसमें क्या होता है, तीन तीन के बाद होते हैं, ठीक है, तो यहाँ जीरो लगाने से तो कोई फायदा ही नहीं है, बिकॉज इट मीन्स द सेम। नेक्स्ट है 423,000, तो 423 लिखा, कॉमा लगा दिया, देन 202, ये हो गया 202, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो, 23 लाख, लाख आ गया मतलब इंडियन सिस्टम में, तो हमने लिखा 23 लाख, फिर बोल रहे हैं 30,000, लिख दिया 30,000, उसके बाद बोल रहे हैं 10, तो हंड्रेड्स प्लेस तो है, बचा है अभी, तो हंड्रेड्स प्लेस के लिए हमने लिखा 0 और फिर हमने लिखा 10। अगर कोई दिक्कत है तो प्लेस वैल्यू चार्ट बनाओ, उसमें इनको पुट करो और फिर खाली प्लेसेस में 0 पुट कर दो, ठीक है, करके दिखा देती हूँ। देखो, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000 और लैख, यहाँ बोला 23 लैख, 23 लाख मतलब 10 लाख तक जाएगा, 23 लाख हो गया। अब बोल रहे 30,000, लिख दिया 30,000 और फिर बोले 10, तो 10 लिख दिया, कौन सा प्लेस बचा, ये वाला प्लेस बचा, तो यहाँ पे 0 पुट कर दो, ये देखो 233, फिर 2 जीरोस, फिर 10, 10, ठीक है, तो इस तरह आप कर सकते हो। अब देखो, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ठीक है। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में क्या होता है, हम कॉमास पुट करते हैं राइट साइड से, पहले तो हम 3 डिजिट्स के बाद पुट करते हैं, फिर हर बार 2-2 के बाद, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पहले मैं नंबर लिख लेती हूँ, 8759576 2, ठीक है, यहाँ से शुरू कर रहे हैं, तो 3 डिजिट्स के बाद लगाना है, तो मेरा कॉमा 1 यहाँ लगा, फिर 2 के बाद लगाना है तो 1 कॉमा यहाँ लगा, फिर 2 के बाद लगाना है तो 1 कॉमा यहाँ लगा, ठीक है। तो अब आप क्या, अब इसको हमें नंबर नेम लिखना है, तो ये वाला कौन सा पीरियड है, वंस वाला पीरियड है, ये वाला कौन सा पीरियड है हमारा, ये है हमारा थाउजेंड्स वाला पीरियड है, ये हमारा कौन सा पीरियड है, ये लैक्स वाला पीरियड है, और ये कौन सा पीरियड है, ये करोड़्स वाला पीरियड है, ठीक है। तो अब आप इसको
बड़े आराम से रीड कर सकते हो। इसको कैसे बोलोगे? 8,75,95,762। ठीक है, तो आप इसको लिख दो 8,75,95,762, 762। इज दिस ओके? फाइन। देन नेक्स्ट बी पार्ट, ये देखो मैं पहले नंबर लिख लेती हूँ यहाँ पे 8,54,6,283। अब मुझे कॉमाज लगाने हैं। यहाँ से शुरू किया मैंने, 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, राइट। ये कौन सा पीरियड है? वंस वाला। ये कौन सा पीरियड है? थाउजेंड्स वाला। ये कौन सा पीरियड है? लैक्स वाला। ठीक, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? 85,46,283। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 85,46,283। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सी पार्ट पर। पहले मैं नंबर लिख लेती हूँ 9,99, फिर 3 जीरोस और फिर 4,6। ठीक है, यहाँ से शुरू करें, 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा। ठीक, अब ये लिख लेते हैं पीरियड्स इसके क्या क्या हैं। ये आ गया वंस पीरियड में, ये आ गया थाउजेंड्स पीरियड में, ये आ गया लैक्स पीरियड में, और ये आ गया करोड़ पीरियड में। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? 9,99,00,000। इसका तो कुछ नहीं होगा क्योंकि जीरो ये दोनों, और ये हो जाएगा 46। 9,99,46,000। तो हम इसको लिख लेते हैं 99 करोड़, नहीं गलत बोल दिया मैंने, सॉरी बेटे, 9,99,00,000 अब ये तो बोलना नहीं है क्योंकि जीरो है, फिर नेक्स्ट बोलेंगे 46। ठीक है बेटा, अब आ जाते हैं हम डी पार्ट पे। कॉपी कर लेते हैं पहले इसको 9,84,32,701, कॉमा लगा लेते हैं, 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा। ठीक है, ये वंस का है, ये थाउजेंड्स का है, ये लैक्स का है, और ये करोड़ का है। ठीक है, अब रीड करते हैं 9,84,32,701। तो लिख लेते हैं 9,84,32,701। ऑल राइट, सो चिल्ड्रन विद दिस आई एंड अप हियर ओनली। इन द नेक्स्ट क्लास आई शैल स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन।